वेलकम टू सोशल फ्रेंड। हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर ट्रिपल सी के कोर्स के बारे में। ये DCA कोर्स भी हो सकता है, और जिसमें आज हम डिस्कस कवर करने वाले हैं इनपुट डिवाइस को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ पर हम इससे पहले भी हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है ट्रिपल सी कोर्स मटेरियल का, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट का लिखा है यहाँ पर डेफिनेशन कि इनपुट यूनिट कॉन्सिस्ट एक्सटर्नल डिवाइस, जिसमें मतलब ये है कि इनपुट डिवाइस में वो डिवाइस शामिल किए जाते हैं जो एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, जो दैट इज कंपोनेंट आउटसाइड द कंप्यूटर लाइक CPU। इनपुट डिवाइस में नहीं आएगा, लेकिन अगर आउटसाइड की बात करें तो वहां पर क्या होगा, CPU भी लगा होता है, जितने भी कंप्यूटर लगे होते हैं उनको हम बोल सकते हैं। इस ख्याल रखो, ऐसे डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा को देते हैं, सीधी सी बात। ठीक है, यहाँ पर ये CPU को हम नहीं रखेंगे इसमें। अब देखो, जिसमें एग्जांपल दिया माउस, लाइट पेड, जॉयस्टिक्स, स्कैनर, माइक्रोफोन, वॉइस रिकॉग्निशन मॉड्यूल, इसे कहते हैं हम लोग माइक्रोफोन को, OCR, BCR, MICR, OMR, कीबोर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं कि OCR क्या होता है। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका यूज देखो, यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा आपको, पेपर साइज ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो कि है क्या। एक पेपर लगा हुआ है जिसमें एक मशीन है उसको रीड कर रही है। ठीक है ना, या कुछ एक ऐसा मशीन होता है जिसमें मैटर को रखा जाता है, ऑटोमेटिक स्कैन कर लेता है। ठीक है, मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसका पूरा नाम होता है। अब देखो नेक्स्ट, MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देखो यहाँ पे एक मशीन दिख रहा होगा, बैंक में आप जाते हो तो देखते हो ना, यहाँ पर देखो ध्यान से लिखा IFC कोड। ठीक है, ये जो होता है इसका जो नंबर होता है ये वहां दिख रहा है आपको, ये पॉइंट वाला, इसको रीड करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट देखो लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है उसको समझो, जैसे ग्राफिक्स टेबल होता है, ग्राफिक्स टेबल आपने देखा होगा लैपटॉप वगैरह टच स्क्रीन के लिए वो यूज किया जाता है। ठीक है, इनका यूज कुछ ड्रॉइंग करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, फिगर बनाने के लिए हम लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं। लिखा है दिस इज स्टाइलस विथ अ लाइट सेंसिटिव टिप दैट इज यूज टू ड्रॉ डायरेक्टली ऑन अ कंप्यूटर वीडियो। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इससे हम कोई भी मूवमेंट दे सकते हैं ना, VFX रेडी करना हो या कुछ सा मूवमेंट देना हो, आर्किटेक्चर का कोई भी काम करना हो, तो हम लाइट पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखा है BCR। ठीक है, इसका नाम है बारकोड रीडर। आप जब किसी शॉप में जाते हो या किसी मॉल में जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा, जब कोई सामान खरीदते हो तो आपको बारकोड वाला से दिखता है ना, ब्लैक कलर का यहाँ पे मिलता है ये चीज, लाइने, इसी लाइने को वो कोड को जनरेट करता है, मतलब इस चीज को कैप्चर करता है और अपने मशीन में ऐड कर लेता है। ठीक है, तो ये होता है BCR, बिजनेस रिलेटेड है। ठीक है, सिंपल सी बात, अगर आइटम की बात करेंगे तो BCR की बात करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है OMR। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में यूज होता है। देखो ये OMR सीट है यहाँ पर, ठीक है, ये दिख रहा है आपको OMR सीट है, यहाँ पे जैसे ये इंटर करेगा अंदर, ठीक है, तुरंत चेक करेगा और कंप्यूटर में डेटा ऑटोमेटिक इंटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट देखो माउस क्या होता है, दिस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस डिजाइन टू बी ग्रिप्ड बाई वन हैंड, इट हैज अ डिटेक्शन डिवाइस। मतलब क्या है, देखो माउस जो होता है ना, इसमें दो बटन होते हैं, एक स्क्रॉल बटन होता है जो बीच में आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक इनपुट डिवाइस होता है, क्या लगना, मैकेनिकल भी होता है, एक होता था ट्रैक बॉल माउस जिसमें जो स्टार्टिंग में था ये बॉल की तरह काम करता था, इसी को मूव करने पे काम होता था, लेकिन जो मैकेनिकल माउस आ गया इसमें दो बटन है। ठीक है ना, दो बटन है, बीच में स्क्रॉल बार है, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल माउस। अगर माउस की बात करें तो देखो वायरलेस की बात कर सकते हैं हम, ठीक है, ब्लूटूथ माउस भी आ चुका है। अब बात करते हैं कीबोर्ड की। देखो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसको टाइपराइटर भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जिसके माध्यम से हम किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू, अल्फाबेट, कोई भी वैल्यू होती है लिख लेते हैं। कीबोर्ड का टाइप कुछ जान लो, एक होता है मल्टीमीडिया, जिसमें मल्टीमीडिया की बात करें तो उसमें साउंड है। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट का भी बटन दे देता है और साउंड को म्यूट करने का नेक्स्ट बटन, तो इसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। ठीक है, एक होता है एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, जो इसका शेप होता है, देखो ये थोड़ा सा ना वी आकार बना होता है, ये तो कंपेटेबल होता है इस साइड बना रहेगा, इसको बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड। ठीक है, बहुत ही कंपेटेबल होता है।
एक होता है वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड की बात करें हम, तो आपने नोटिस किया होगा जब आप एटीएम जाते हो तो वहां पे एक आपको ऑन स्क्रीन पे वर्चुअल की मिलता है, या आप एंड्रॉयड फोन में जो चैटिंग वगैरह करते हो जो कीबोर्ड होता है वो होता है वर्चुअल कीबोर्ड, ठीक है। और एक होता है कॉम्पैक्ट कीबोर्ड। कॉम्पैक्ट कीबोर्ड जो लैपटॉप के साथ छोटा सा कीबोर्ड आता है, ठीक है। ये रहे कुछ कीबोर्ड। और एक होता है वर्चुअल कीबोर्ड, बता दिया मैंने, वर्चुअल कीबोर्ड हो गया। एक होता है रोल्ड। रोल्ड क्या, ऐसा रबड़ के जैसा होता है, इसको आप कहीं भी रोल करके पॉकेट में भी रख सकते हो कीबोर्ड को, जहां जरूरत पड़ा उसको ओपन किया और अपना काम कर सकते हो। अब देखो जॉयस्टिक्स। जॉयस्टिक्स क्या होता है, एक टाइप का जो खिलौना होता है ना, गेम कंट्रोल कहते हैं इसको। लिखा है कि जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस कंपोज्ड ऑफ अ लेवल दैट मूव इन मल्टीपल डायरेक्शन टू नेविगेट अ कर्सर, ठीक है। इससे क्या होता है, जो आपको ये ग्रिप दिख रही है यहाँ पे, इसको आप गेम खेलने के लिए इसका इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्टिकल स्कैनर की बात हो रही है। यहाँ लिखा है दिस इज लाइट सेंसिंग इक्विपमेंट दैट कन्वर्ट इमेज सच एज पिक्चर और टेक्स्ट। ये क्या करता है, इसके जो आपको लाइट वाला दिख रहा है पोजिशन, ठीक है, अंदर लगाया जाता है। कोई भी आप इसके कोई भी मैटर लगा दो, कोई इमेज रख दो, कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में जैसे ये कनेक्ट होगा तो यहाँ पर ये ट्रांसफर होकर के यहाँ पर डेटा आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप फोटो फोटो स्टूडियो में जाते हो वगैरह में, तो कोई भी फोटो देते हो, फोटो से फोटो बनता है, तो आपके फोटो को यहाँ पर रख करके वो यहाँ पर स्कैन करेगा और यहाँ पे फोटो आएगा। फोटोशॉप से बना करके आपके मैटर को वो क्या करेगा, प्रिंटर से प्रिंट कर देगा, है ना, ये चीज ख्याल रखना। अब नेक्स्ट देखो, लिखा है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, आपने देखा ही होगा, माइक्रोफोन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से जिसे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, ये चीज है। ओके देखो, दिस इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग साउंड इनटू सिग्नल दैट कैन देन बी स्टोर्ड मैनिपुलेटेड, ठीक है ना, ये माइक्रोफोन हो सकता है। ये रहा इनपुट डिवाइस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आउटपुट डिवाइस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।